हेलो सर, मनी इन द बैंक 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट होने में बस अब 2 दिन रह गए हैं, नहीं मतलब 3 दिन रह गए हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि कल भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें कि कौन कौन से रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या लास्ट में रूमर सामने आ रहे हैं मनी इन द बैंक से पहले, वो सब मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक अदान अंजुम, वॉल्ट फ्यूजन, पैंपा चक्रवर्ती ड्रॉइंग, आई एम सॉरी अगर मैं आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो वेनमबर्ग वाइटी और बीस्ट रेसलिंग की तरफ से आया है। एंड इस सब ने सिमिलर कमेंट किया कि जय ब्रो मनी इन द बैंक 2022 की रिजल्ट प्रेडिक्शन करो। एग्जैक्टली यही मैं इस वीडियो में करने भी वाला हूं, पर मजा तो आने वाला है क्योंकि सारे मैचेस के बारे में बात होगी। और मैं सिर्फ आपको अपनी प्रेडिक्शन ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा बेटिंग ऑड्स भी, यानी कि स्पॉइलर हो सकता है वीडियो में, तो अगर अवॉइड करना चाहते हो तो वीडियो को अभी छोड़ दो, हमारा वॉच टाइम जरूर गिर जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। रेस्ट बताता हूं मैं आपको सारी मैचेस की प्रेडिक्शन और बेटिंग ऑड्स, लेकिन इंट्रो के बाद। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ऑल सेट टू रेसल फैन, माय नेम इज सर एंड विद दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले मैच से जो कि होने वाला है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशले के बीच। स्टोरी लाइन तो छोड़ दो, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिंग देखी हमने इन दोनों सुपरस्टार्स की, मतलब जितनी भी मसल्स इनकी बॉडी में सारी दिखा दी इन्होंने रॉ पे, नहीं मतलब सारी तो नहीं दिखाई, एक दो रह गई। जोक्स अपार्ट, लोग हमें पता है कि यार थ्योरी का जॉन सीना के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच प्लान करी समर स्लैम के लिए, तो मुझे तो पर्सनली मुश्किल लग रहा है कि थ्योरी इस मैच में हारेंगे। अब मुझे पता नहीं कि वो बॉबी लैशले को किस तरह हराएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कोई हील टैक्टिक यूज करेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इस मैच में थ्योरी जीतने वाले और रिटेन कर लेने वाले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को। और बात रही बैटिंग ऑर्ड्स की, तो बैटिंग ऑर्ड्स भी एक्जैक्टली वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, थ्योरी फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। बट हाँ, एक बात नोट करने वाली कि बैटिंग ऑर्ड्स का डिफरेंस थोड़ा कम ही है, यानी कहीं पासा पलट भी सकता है, लेकिन कुछ ही डिफरेंस से सही थ्योरी फेवरेट जरूर है। नेक्स्ट मैच की तरफ हम चलते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप, द उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच। इतना घटिया ये मैच है, मतलब 2312 बार हमने मैच देख लिया, लेकिन फिर भी WWE 2313 बार करवा रही है इस मैच को। इतने सारे बजट कट्स कर दिए, थोड़े से पैसे डालो यार, थोड़ी सी टीम्स हायर कर लो एक दो यार। रिपीटेटिव मैचेस देख देख के मेरा सर घूम गया है। अब तुम बेशक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए करवाओ मैच इनके बीच, या फिर किसी भी चीज के लिए करवा दो यार, मेरा इंटरेस्ट नहीं बनने वाला पर्सनली। तो खैर यार, प्रेडिक्शन भी क्या ही करनी इस मैच की, हमें पता ही कि उसोस नहीं हारने वाले यार। ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि वो रिटेन कर लेंगे इस मैच में अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। बात रही बैटिंग ऑर्ड्स की, तो कोसो मील दूर है उसोस, और फेवरेट है कि वही इस मैच को जीतेंगे, हरा देंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, रिटेन भी कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप। चलो अब नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि हमें देखने को मिलेगा फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, बियांका ब्लेयर वर्सेस कारमेला के बीच। शिट यार, पहले मैच रिया रिप्ली के साथ होने वाला था बियांका ब्लेयर का, तब मैं ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल लग रहा था वो मैच, क्योंकि रिया रिप्ली जजमेंट डे की पार्ट थी, हो सकता है WWE उन्हें चैंपियनशिप जितवा दे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, लग के रहा है पता ही यार कि ऐसा नहीं होने वाला है। और मेरी प्रेडिक्शन रहेगी सिंपली बियांका ब्लेयर के लिए कि वही इस मैच में अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेने वाली है, हरा देने वाली कारमेला को इजीली। एंड वही बात रही बेटिंग ऑड्स की, तो ओ हो इतना ज्यादा डिफरेंस इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, मतलब एक तिनके भर का चांस नहीं कि कारमेला इस मैच में जीत जाए। क्रिस्टल क्लियर फेवरेट है कि इस मैच में बियांका ब्लेयर जीतने वाली है, रिटेन करने वाली है अपनी चैंपियनशिप को। नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच, एंड ये मैच होने वाला है बेकी लिंच, पोस्टर गर्ल, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस रकूल रोड्रिगेज वर्सेस लेसी एवेंस वर्सेस आस्का वर्सेस शॉट्जी के बीच। अब यार इस पर तो मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है बोथ मेन एंड वुमेन के लैडर मैच की प्रेडिक्शन की, कौन से सुपरस्टार मुझे लग रहा है कि जीतने वाले हैं और मेरी प्रेडिक्शन किसके लिए रहेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देख लेना। बाकी अगर अभी देखना चाहते हो तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो, वीडियो पर पहुंच जाओगे। चलो अब नेक्स्ट मैच की तरफ हम चलते हैं जो कि देखने को मिलेगा हमें फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, बैडेस्ट वुमन ऑन द प्लेनेट राउडी राउंडा राउजी वर्सेस नटालिया के बीच। एंड WWE ने इस मैच में बहुत ज्यादा ट्राई की हमें दिखाने की कि यार थ्रेट है नटालिया, लेकिन नहीं है, हम सबको पता है। और ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में राउंडा राउजी के लिए रहने वाली है, लेकिन अगर बात करें बैटिंग ऑर्ड्स की तो उसमें नटालिया बिल्कुल अनफेवरेट है और राउंडा राउजी फेवरेट, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस से कि वही इस मैच में जीतने वाली है और रिटेन करने वाली है अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू आवर फाइनल मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा रिडल वर्सेस सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ओमस वर्सेस शेमस वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस टू बी अनाउंस सुपरस्टार के साथ। अब यार इस मैच में जीतेगा कौन, तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया इस पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात यह कि लास्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। अब मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि जो भी ये लास्ट ओपोनेंट होगा, ये मत सोचना कि ये जो सुपरस्टार होगा वो मनी इन द बैंक मैच जीत जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर ये सुपरस्टार कोडी रोड्स निकल आए तो, पर कोडी रोड्स तो इंजर्ड है, रॉयल रंबल तक तो वापस आने नहीं वाले। बाकी अगर कोई चमत्कार हो गया वो अलग बात है। नेक्स्ट रूमर सुपरस्टार है स्पॉट के लिए जॉन सीना। अब ऐसा हो भी सकता है, और अगर जॉन सीना स्पॉट पे हुए तो डेफिनेटली वो तो नहीं जीतने वाले मनी इन द बैंक, इतना पक्का है। एंड लास्ट थिंग जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, और आप यही सोच रहे होगे इतनी देर से कि यार
पहले से मैच अनाउंसड है, लेकिन WWE ने मैच रॉ से डिले क्यों किया? कोई तो रीजन होगा। अब वो रीजन क्या है वही डिसाइड करेगा कि स्पॉट पे कौन होने वाला है। लेकिन जो भी हो, मेरी प्रेडिक्शन तो उसी सुपरस्टार के लिए रहेगी जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। तो इस साल के मनी इन द बैंक विनर्स की वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे अभी क्लिक कर दो। लेकिन अगर वो नहीं देखना चाहते, मनी इन द बैंक का डेट एंड टाइम जानना चाहते पहले, तो उसके लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक कर दो। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल ही आने वाली है। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।